सो हेलो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है पे लेटर को यूज़ कैसे करेंगे और पे लेटर का जो ई एम आई आता है उसे हम लोग रिपेमेंट कैसे करेंगे और इसका लिमिट इंक्रीज़ कैसे करेंगे तो ये सारा तीन टॉपिक पे बात होगी और पूरा कंप्लीट मैं दिखा दूँगा कि कैसे आप ये तीनों काम एक ही वीडियो को देखकर पूरा काम कर सकते हो तो फ़्लिपकार्ट का कर जो एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लीजिएगा और अकाउंट में चले जाइएगा अकाउंट में जाने के बाद फ़्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा वहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो मैं एक वीडियो है मैं वो शेयर करूँगा वहाँ पर आप जाकर कर सकते हैं तो पहला मुद्दा मेरा बात रहेगा रीपेमेंट कैसे करते हैं तो रीपेमेंट देख सकते हैं मेरा दो का कुछ प्रोडक्ट मैंने मंगाया था और उसे ही पहले रीपेमेंट करते हैं उसके बाद आगे जो बात होगी वो इंक्रीज की बात होगी ठीक है तो यहाँ देख सकते हैं मैं पेटीएम से अपना जो है ये दो हज़ार कुछ रुपये जो है पेमेंट कर रहा कराऊँ फ्लिपकार्ट का और पेमेंट करने के बाद क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा वो भी मैं दिखाऊंगा पूरा पेमेंट हमने फ़्लिपकार्ट का जो प्रोडक्ट लिया था एक महीने के मतलब लिमिट मिलता है एक महीने के अंदर आपको जल्द से जल्द पेमेंट करना पड़ता नहीं तो आपका सिविल जो है डाउन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सत्तर हज़ार का पहले से ही फ्लिपकार्ट पेलेटर का इंक्रीज़ जो था सत्तर हज़ार का लिमिट मिला था अभी फ़िलहाल जो इसका लिमिट बढ़ाने का तरीका है वो भी मैं बता दे रहा हूँ दो तीन चार पाँच प्रोडक्ट आप ऑनलाइन परचेस करते हैं और इस पैसे को खर्च करते हैं खर्च करने के बाद ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर लिमिट इंक्रीज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मैंने दो तीन पेमेंट किया था और रिपेमेंट भी उसका टाइम टू टाइम कर दिया और एक आपके सामने मैंने अभी किया है तो यहाँ पर कुछ ही दिन के बाद मतलब दो तीन दिन के बाद या एक दिन के बाद ही आपको लिमिट इंक्रीज देखने को मिलेगा और पर आपका जैसे कि आप जितना ही खर्च करते हैं उतना ही आपको जो है रिपेमेंट देखने को मिलेगा नेक्स्ट टाइम लिमिट बढ़ने के लिए ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो सत्तर हज़ार का भी है और अभी फिलहाल आया हुआ है अस्सी हज़ार का तो यहाँ पर लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं इंक्रीज़ लिमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है मेरा सत्तर हज़ार के बढ़कर वो अस्सी हज़ार में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब टोटल बोलना चाहिए तो लिमिट मुझे मिला है अस्सी हज़ार रुपये का दस हज़ार बढ़ चुका है दस हज़ार का मैंने प्रोडक्ट पहले ही लिया था तो जैसे ही आप प्रोडक्ट ज़्यादा लोगे वैसा ही आपको लिमिट इंक्रीज़ देखने को मिलेगा फिलहाल अभी सत्तर का था यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अस्सी का टोटल मेरा जो है लिमिट देखने को मिल रहा है ठीक है इस प्रकार आप लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हो प्रोडक्ट खरीद ठीक है तो दूसरा मेरा बुधना बात हो गया आपका पहला जो बात हुई थी वो रिपेमेंट कैसे करते हैं ई और इंक्रीज कैसे करते हैं वो दोनों दिखा दिया अब मैं बात करता हूँ फ्लिपकार्ट पेलेटर को यूज़ कैसे करें तो यूज़ करना बहुत ही आसान है और इसे यूज़ करने के लिए आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं या ख़रीदते हो तो वहाँ पर जाकर आप आराम से अपना प्रोडक्ट खरीद कर आप इसे यूज कर सकते हो एक बोले तो आप क्रेडिट कार्ड जैसा यहाँ पर एक देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर का पर्सनल लोन भी है जो आपको आसानी से यहाँ पर लोन भी देखने को मिलेगा मगर हाई इंटरेस्ट बाई ठीक है हाई इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है और इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा रहता है और इंटरेस्ट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आप लोन नहीं लीजिएगा तो फ़्लिपकार्ट पे लेटर के बात कर देता हूँ कोई भी प्रोडक्ट मैं सर्च करता हूँ आप कोई भी मोबाइल या कोई भी चीज़ यहाँ से परचेस करते हैं तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो क्रेडिट कार्ड है वो फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा ऊपर में ही देखने को मिल जाता है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फ़ोन आपको देखने के मिल रहा है और यहाँ पर मैं एक आईफोन को सेलेक्ट करूँगा और उस आईफोन को फ्लिपकार्ट पे लेटर के माध्यम से उसको कैसे परचेस करना है और कैसे उसको यूज़ करना है वो भी मैं तरीका आपके साथ शेयर करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं चलिए सर्च बार में फ़्लिपकार्ट का एक आईफोन फोर्टीन या आईफोन थर्टीन को हम लोग सर्च करते हैं और देखते हैं कि उसको ख़रीदने के समय फ्लिपकार्ट लेटर का कितना मदद मिलता है और क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देख लीजिए अपने अनुसार मैं एक आईफोन सेलेक्ट कर लिया हूँ आप अपने अनुसार कोई भी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक आईफोन ये है और यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स डिटेल्स जहाँ छः हज़ार चार सौ तीस रुपये लिखा हुआ है वहाँ डिटेल्स पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए ऊपर में ही फ्लिपकार्ट पे लेटर ई का ऑप्शन बोलकर एक आ रहा है ठीक है इसके बारे में यदि आपको फ्लिपकार्ट जो पेलेटर ई एम जो लोन मिल रहा है एक तरह से लोन ही है ठीक है मैं उसके बारे में पूरा बात करूँगा यदि आप कमेंट करते हो तो, तो यहाँ पर देख सकते हैं चौबीस इंटरेस्ट है, है क्रेडिट कार्ड जैसा है सेम ही आपको एक फ़्लिपकार्ट पे लेटर ही एक ईएमआई के थ्रू पे आपको दिया जाता है तो यहाँ पर जाकर आप फ्लिपकार्ट पेलेटर से किसी भी प्रोडक्ट का आप ख़रीदारी कर सकते हैं और पर मंथ करके ईएमआई आप भर सकते हो मगर यहाँ पर देख सकते हैं चौबीस परसेंट का इंटरेस्ट है जो आपको लगेगा ठीक है ऐसा नहीं कि नो कॉस्ट ई जैसे बजाज कार्ड होता है तो उसमें नो कॉस्ट ई होता है मगर यहाँ पर आपको चौबीस परसेंट का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा यदि आप ख़रीदते हो तो चलिए इसको स्किप कर लेते हैं और ख़रीद कर देखते हैं यहाँ पर कुछ एड्रेस वगैरह आपका आएगा उसके बाद कंटिन्यू करिएगा फ़्लिपकार्ट का कर पे लेटर के माध्यम से तो यहाँ पर देखिए कुछ ओ आएगा ओ जैसे ही हम डालेंगे हमारा जो है फ़्लिपकार्ट देखिए पे लेटर ई एम आई इस पर सिलेक्ट करेंगे हम लोग सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे कलेक्ट करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एक ओटो आएगा फ्लिपकार्ट के द्वारा जैसे ही डालेंगे हम लोग हमारा जो है यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज कर पाएंगे प्रोडक्ट खरीदने में ईएमआई के थ्रू मगर यहाँ पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 24 परसेंट ये नो कॉस्ट ईएमआई नहीं है कि आपको मतलब पैसा नहीं भरना पड़ेगा आपको जितना इंटरेस्ट लगेगा आपका अमाउंट भी बढ़ जाएगा ठीक है समझ रहे हैं तो मेरा एक दावा है कि आपको यूज करना तो यूज कर सकते हैं जिनके पास नहीं है तो क्या आगा ठीक है मगर बजाज हेल्थ ई एम कार्ड बहुत अच्छा है मगर यहाँ पर देखने को तो वो नहीं मिल रहा है मगर फ्लिपकार्ट पे लेटर जो अपने तरफ से ये शेयर कर रहा है और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ फ्लिपकार्ट जो पेलेटर का ये अमाउंट दिख रहा है ना आप सभी को ये एक तरह से लोन ही है ठीक है इसके बारे में यदि पूरा डिटेल्स में आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा तो मैं इसका पूरा एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा और जो भी चैनल पर अभी न्यू आए हैं चैनल को लीजिए भाई सब्सक्राइब और लाइक और पहले के अंदर आइएगा जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी जब भी एक लेटेस्ट में न्यूज आपके लिए लाऊँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हर एक न्यूज मेरा जो आपके जीवन में काम आने वाला है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को और लाइक भी कर लीजिएगा और दबाइए और कोई भी आपका क्यूरी है एक भी तो क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम गुड बाय टेक केयर अपना और अपने फैमिली का ध्यान दें